वेलकम टू हैंड टू हार्ट। आज मैं लाई हूँ फेमस गुजराती रेसिपी सैंडविच ढोकला। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके लिए लिया है मैंने करीब 2 कप राइस और आधा कप चने की दाल। भिगो के रख दी है करीब 4-5 घंटा। इसको ले लेंगे हम मिक्सर जार में और इसमें डालेंगे हम आधा कप दही और फिर बैटर तैयार कर लेंगे हम। थोड़ा सा सॉल्ट डाल के हम इसको ढक के रख देंगे करीब 4-5 घंटे, इसमें आधा आ जाए। अब ये बैटर है तैयार, उसमें डालेंगे हम सॉल्ट, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में हम थोड़ा सा पानी डाल के फिर डालेंगे ताकि इसमें लम ना रह जाए। अच्छे से मिक्स कर ले। डालेंगे ऑयल, थोड़ा सा गरम करके डालें आप करीब 2-3 चम्मच, जिससे ढोकला सॉफ्ट होता है। अब इसमें से हम 3 हिस्से करेंगे और 1 हिस्से में डालेंगे हम ग्रीन पेस्ट, जो कि मैंने धनिया और मिर्ची से बनाई है। आप चाहे तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लें। अब ये जो ढोकला बनाने की थाली है उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर ली है। उसमें हम डालेंगे पहले वाइट बैटर, जो हमने वाइट बैटर रखा है उसमें से आधा हम पहले डाल देंगे और आधा अभी साइड में रखते हैं। इसको हम स्टीम कर लेंगे करीब 2-3 मिनट। थोड़ी थिक हो जाए तो उस पर हम डालेंगे हम ग्रीन बैटर, जो कि हमने धनिया और मिर्ची से बना के रखी है। धीरे धीरे थोड़ा स्प्रेड कर दे, पूरा कवर कर ले और 2-3 मिनट इसको स्टीम करें। देखिए ये रेडी है और उस पर डालेंगे हम बाकी का वाइट बैटर और इससे हम अच्छे से कवर कर ले और 2-3 मिनट और छोड़ दे इसको स्टीम करने के लिए। अब देखते हैं नाइफ से, ये ढोकला रेडी है। हम इसका छोटे छोटे पीस कर लेंगे हम। चलिए निकाल के देखते हैं। अरे वाह, देखिए सैंडविच ढोकला, ऊपर नीचे वाइट और बीच में ग्रीन कलर, देखने में ही अच्छे लगते हैं। अब इसके लिए हम तड़का यानी वघार प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए लिया है मैंने 3-4 चम्मच ऑयल। इसमें डालेंगे राई, सीसम सीड यानी तिल, हरी मिर्च छोटी छोटी कटी हुई, थोड़ा सा पानी। जब ये उबलने लगे गैस बंद कर दीजिए और इसको हम स्प्रेड करेंगे हमारे ढोकले के ऊपर। देखिए रेडी है हमारे ढोकले। इसको आप ग्रीन चटनी और टोमेटो केचप के साथ सर्व कीजिए। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें और मेरी